तो फ्रेंड नमस्कार, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिक टू जीके में। आज हम लोग आपके लिए एक स्पेशल क्लास लेकर उपस्थित हैं जो ग्रुप डी स्पेशल। तो ग्रुप डी स्पेशल आप लोग एग्जाम देने वाले हैं, ग्रुप डी का एग्जाम। तो ये ट्रिक आपको बहुत ही मदद देने वाला है। तो आज के ट्रिक में हम आपको नंबर ऑफ जीरो गुणनफल जीरो की संख्या हम आज आपके बीच निकालने के लिए ट्रिक बताएंगे आपको कि आप बहुत ही आसानी से जीरो की संख्या आप लोग खोज सकते हैं। ये ट्रिक हमेशा ग्रुप डी और एनटीपीसी 2 में हमेशा आते रहता है। तो ये ट्रिक को आप लोग को ध्यानपूर्वक देखना है। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर है कि 5, 10, 20 और 25 में जीरो की संख्या ज्ञात कीजिए। सबके गुणनफल में जीरो की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम जीरो की संख्या कैसे ज्ञात करें, इसका ट्रिक आज हम आपके बीच ऐसा बताएंगे कि आप एक नज़र में ही इसको बना सकते हैं। तो चलिए हम सीख लेते हैं कि जीरो की संख्या कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे कि आप लोग कहीं नोट में लिख लीजिएगा कि जब भी ऐसा प्रश्न देखिएगा आपको 5 और 2 में तोड़ना है, 5 और 2 में तोड़ना है, बस 5 और 2 में तोड़ना है। तो हम, ये हमारा 5 है तो हम 5 को 5 हम लिखते हैं, 5 को 5 लिखते हैं। और 10 को हम देखेंगे तो 5 × 2 लिखेंगे, 5 × 2 लिखेंगे। उसी तरह हम देखेंगे कि 20 को हम लिखेंगे 5 × 2 × 2। उसी तरह यहाँ पर देखेंगे 25 का, तो यहाँ पर देखेंगे कि 5 × 5 5 × 5। तो अब हमारे पास जो संख्या मिल गया वो मिल गया 5 5 और 2। तो हम देखेंगे यहाँ से कि हमारा 5 कितना है, तो 1 2 3 4 5 है, तो 5 के पावर 5 हो गया। और 2 हम देखेंगे तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो 5 के पावर 5 और 2 के पावर 3। तो इसमें अब हम खोजेंगे कि इसमें हमारा आंसर क्या होगा। तो आप लोग नोट में यहाँ पर लिख लीजिएगा कि छोटा वाला पद हमारा आंसर होगा। तो इसमें जीरो की संख्या 3 होगा। आप लोग इससे आसान ट्रिक आपको नहीं मिल सकता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दूसरा प्रश्न लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच कि 15 के पावर 15 × 45 के पावर 45 × 8 के पावर 16 के गुणनफल में जीरो की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको नोट में बताया था कि इसको 5 और 2 के भाग में तोड़ना है, लेकिन ये हमारा 5 और 3 के भाग में टूट रहा है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो चलिए आज आपके सीख लेते हैं कि हम इसको कैसे निकाल पाएंगे बहुत ही आसानी से। यहाँ पर हम लिखेंगे 15 45 और 8 8 हम तोड़ लेंगे। तब हम यहाँ पर अब हम देखेंगे कि 5 × 5 × 2 5 × 3 के पावर 15 ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। उसी तरह हम इसको लिख सकते हैं कि 5 × 3 × 3 के पावर 45। और उसी तरह हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2 × 2 × 2 के पावर 16। तो अब देखिएगा आपको आपका आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा कि 5 के पावर 15 गुना में है, यहाँ पर 5 के पावर 45। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे यहाँ पर हमारा 3 के पावर है, तो 2 के पावर देखिएगा 2 के पावर 3 है, तो 2 के पावर 3 और 3 के पावर इसमें 3 है, तो 16 × 3 हो जाएगा, 16 × 3 हो जाएगा आपको, 16 × 3 हो गया। ये 3 को था तो ऊपर में स्क्वायर क्यूब भेज दिए, तो 16 × 3 हो गया। अब यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि ये तीन क्या है, तो इसका इस 3 का कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ हमको 2 और 5 को लेना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 5 के पावर 15 × 5 के पावर 45 हो गया, आगुने 2 के पावर 48 हो गया। इसको हम लोग कैसे मानेंगे कौन हमारा आंसर होगा, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दोनों एक ही
दोनों एक ही संख्या है पांच, तो इसको हम क्या करेंगे कि जब, तो ये भी आप लोग नोट में लिख लीजिएगा कि जब भी कोई एक ही संख्या आ जाए तो उसके घात को आप लोग जोड़ दीजिए, घात को जोड़ देना है। तो 5 की पावर 45 और 15 जोड़ देंगे तो 60 हो गया, और उसी तरह 2 के पावर 48 हो गया। तो हमने बताया था कि जीरो की संख्या निकालने के लिए सबसे छोटा वाला जो होता है घात, वही आपका आंसर हो जाता है। तो इस संख्या का आंसर हो जाएगा 48। तो इसके गुणनफल में जीरो का संख्या जो होगा वो 48 होगा। तो इस ट्रिक के मदद से आप लोग निकाल सकते हैं। हम तीसरा प्रश्न लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच कि 10 × 100 × 1000 × 10^8 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इतना है। तो आप लोग बहुत ही आसानी से शून्यों की संख्या आप लोग कैसे निकाले, ये तरीका हम आज आपको बताने जा रहे हैं। इसको देखिए और आंसर मारिए, वैसा हम आपके बीच आंसर ला रहे हैं। तो आप लोग अगर ये ट्रिक आप लोग इससे आप परिचित हैं तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ये ट्रिक आपको निकाल सकते हैं। ये हमने गिना कि 8 जीरो की संख्या कितना है इसमें, तो 8 है। तो लास्ट वाला संख्या को हम n मान लेंगे, तो 8 है। तो 8 × यहाँ पर 1 जोड़ देंगे तो 9 हो गया, अब बटा में 2 हो गया, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 4, तो 4 × 9 = 9 × 36। तो इसमें शून्यों की संख्या जो होगा 36 होगा, तो इससे छोटा और कोई नहीं हो सकता है। तो इसी तरह हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन भी और मजेदार क्वेश्चन है, और ये रेलवे ग्रुप डी में आते रहता है, इसको ध्यान पूर्वक देखिएगा। ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी का इम्पोर्टेंट सवाल है। ये क्वेश्चन हमेशा आते रहता है कि फैक्टोरियल 125 में जीरो की संख्या ज्ञात कीजिए, फैक्टोरियल 125 में जीरो की संख्या ज्ञात कीजिए। ये हम कैसे बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ पर देखेंगे। तो हम यहाँ पर हमारा है 125, तो 125 में जब तक हम गुना कर भाग देंगे जब तक हमारा 125 ना आ जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर 5 से भाग देते हैं, उसके बाद हम गुना करते हैं, इसके बाद हम इसको जोड़ते हैं, या फैक्टोरियल में हम जोड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 125, 5 के बाद होता है 25, और यहाँ पर 125/125। जब तक यहाँ एक ना लास्ट में एक ना आ जाए, तो इसका आप लोग ट्रिक लिख लीजिएगा, यहाँ पर n/5 + n/25 + n/125, ऐसे बढ़ते जाएगा, n/625 ऐसे ही बढ़ते जाएगा। तो ये आपका फैक्टोरियल का ट्रिक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जब तक लास्ट हमारा एक ना हो जाए तब तक हमको इसको हल करते रहना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 25 × 125 हो गया, 25 × 125, और यहाँ पर देखेंगे तो 25 × 125 यहाँ पर 5 हो गया, और लास्ट में हमारा 1 हो गया, लास्ट में यह 5 हो गया और यह 1 हो गया। तो तीनों को हम अगर जोड़ते हैं तो तीनों हमारा जो आएगा वो 31 आएगा। तो इस तरीका से हम बहुत ही आसानी से फैक्टोरियल वाला सवाल आप लोग को बीच बता दिए कि जब 125 है तो जब तक हम हल भाग देते रहेंगे तब तक हमारा एक ना आ जाए। तो हम पहले 5 से भाग दिए, फिर 25 से भाग दिए, फिर 125 से भाग दिए। 5 से हम क्यों भाग देते हैं, क्योंकि हमारा जो 5 है, जो हमारा 5 है, तो जीरो की संख्या हमको निकालने के लिए 5 और 2 की जरूरत होती है। इसलिए जब यहाँ पर हम देखेंगे कि लास्ट में 5 है, इसीलिए हम यहाँ पर 5 से भाग देते हैं। तो 5 हमारा 5 ही से कटेगा, इसलिए 5 × 5 = 25 और 25 × 125, ये हमारा ऐसा कर दिए, हमारा आंसर आ गया 31। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आज जीरो की संख्या का निकालने का तरीका का महत्वपूर्ण विधि आपको बताया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।